हेलो गाइस, इतनी तेज धूप हो रही थी और मेरी साइड से आ रही थी। इतनी धूप में पैदल पैदल चल के मेरी फ्रेंड ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था, क्योंकि उसको लेट हो रहा था तो वो चली गई थी। फिर मुझे लगी प्यास तो मैंने ले ली थी रास्ते में पेप्सी। मैं पेप्सी पीते पीते आ रही थी यहाँ पर, क्योंकि पानी ले जाना भूल गई थी। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ गाड़ी कि की जब आदत हो कभी जाए ना गाड़ी से तो नहीं पैदल आते हो, बहुत गाड़ी की चलेंगे आदत हो ना, तो पैदल चलने में बहुत ज्यादा ही सांस सांस फूल फूलती है, जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बहुत हाँफ बेकार रही थी हो जाते पैदल हैं। चल चल के। फिर मुझे भूख लगी बहुत तेज। घर आने के बाद मैंने बनाई सिंपल सी मैगी, कुछ भी नहीं करा गाइस, सिंपल सी मैगी उबाली और यहाँ मसाला डाला और मैगी सॉस में डाल के मैंने यहाँ पर खा ली, क्योंकि मुझे बहुत तेज लग भूख लग रही थी। मैगी थोड़ी गरम गरम थी, मगर मेरे को भूख तेज थी इसलिए मैं खाई जा रही थी गरम मैगी भी। यहाँ पर मेरा मैगी खा के नहीं भरा था पेट, फिर भी मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मठरी खा लूँ। मठरी जैसे खाने लगी तो ब्लैकी आ गई। ब्लैकी मैडम ने मेरे हाथ से मठरी ले ली और मैडम खुद खाने लगी। यहाँ पर देख सकते हो कुशन के ऊपर रख के खा रही थी मैडम बड़े आराम से मठरी। उसको भी बड़ा स्वाद आ रहा था मठरी खा के। गाइस, कल अचानक से घर की पिंजरे में फंस जाता है एक कबूतर और एंजल सो रही होती है, मगर एंजल को आवाज आती है इतनी लो तेज से, क्योंकि बेटा वो उड़ने की कोशिश करता है मगर उसको रास्ता नहीं मिलता। तो एकदम से नींद में उठ के आती है एंजल भाग भाग के ऊपर। फिर मैं भी इसके पीछे पीछे आती हूँ तो यहाँ देखती हूँ कि कबूतर फंसा हुआ है, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और एंजल उसके पास जा रही थी। तो आपके बेचारा साथ वो क्या हो ज्यादा घूम डर रही रहा है, था। मैं एंजल से कह रही थी कि एंजल दूर से दूर रहे, थोड़ा पीछे रहे, मैं उसको निकलने का रास्ता बताती हूँ, बेचारा वो उड़ जाएगा। मगर एंजल मैडम को तो सूंघना था। अच्छा वह गाइस ब्लैकी नहीं थी, ब्लैकी सो रही थी। अगर वो होती तो वो पता नहीं क्या ही करती यहाँ पर। फिर एंजल हटी पीछे, मैं उसको रास्ता बता रही थी। खोल दे खिड़की पूरी। जैसे मैंने उड़ाया उसको तो एंजल देखो ऊपर देखने भाग गई कि कहाँ गया वो। यहाँ पर मैंने उसको उड़ा दिया था। यहाँ पर मेरी सिस्टर गोरा से कह रही थी, पास में बैठी हुई थी, गोरा उससे कह रही थी कि तू जाना रात में। रात में एक्चुअली गेट तोड़ती है और कहती है मुझे बाहर जाने, तो उसको बाहर सुलाते तो वो भाग के अपने मोहल्ले में चले जाते हैं। और इसका यही सीन है, 2-4 दिन हो गए अपने मोहल्ले में चली जाती है। फिर हम सुबह उसके मोहल्ले में जाके उसको आपको मोहल्ला बताया 2-4 गली छोड़ के, फिर उसको उसके मोहल्ले से लेके आते हैं। उसके मोहल्ले वाले उस पर ध्यान तो देते नहीं, मगर जाना उसको वहाँ। तो मेरी बहन कह रही थी जाना करती उसको लेके नहीं आऊंगी, छोड़ दूंगी गोद में उठा उठा करते लेके आते हैं स्कूटी में। अजीब प्राणी है, अजीब प्राणी, क्या करूं उस प्राणी का। हाँ देख रहे हो पीछे खड़े हैं इसके पिताजी, अगर घूर के भी आगे ना तो भागता नजर आएगा। ये मेरी मोतू को इतना परेशान करता है नालायक। मेरी मोतू, मेरी मोतू, मेरी मोटू भी टांग पकड़ दे दोनों एक दूसरे की टांग। पागल को देखो नीचे तो उतरेगा नहीं, मस्ती इसको करनी है। देखो हरकतें देख रहे हो इनकी।